स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? ए राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान, बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव, सी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन, डी सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश। आंसर बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। एक्सप्लेनेशन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक लाभ चुनाव कराने की लागत में कमी होगी और प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ए 75, बी 78, सी 125, डी 134। आंसर डी 134। एक्सप्लेनेशन, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HVI में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर हैं। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए वी डेम संस्थान, बी UNDP, सी नीति आयोग, डी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आंसर ए वी डेम संस्थान। एक्सप्लेनेशन, वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मेट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वी डेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफेन लिंडेबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफेन लिंडेबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? ए 80, बी 90, सी 99, डी 102। आंसर डी 102। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ए विदर्भ, बी बिहार, सी मुंबई, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी मुंबई। एक्सप्लेनेशन, मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं।